वेलकम टू माय चैनल माझी वेटनरी। माझी वेटनरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर पशु पक्षी जानवर संबंधित दवा को लेकर आते हैं, उसके फार्मूले के बारे में, उसको कैसे देना है उसके बारे में बताते रहते हैं। इसी के साथ मैं हूँ डॉक्टर अमित माझी, बाय कर्मचारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लेकर चलते हैं आपको जीरो एसए की तरफ। जीरो एसए क्या है? एक डिवर्मर है, कीड़े मारने की दवा है, लीवर फ्लू को लियम और रूमन फ्लू को, अर्थात लीवर के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, केचुए पड़ जाते हैं आप पेट के अंदर, सबका सफाया एक ही बोलस में होता है। जीरो एसए जैसा कि सुषमा फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया है, इसका दवा भी बड़े जानवर में आता है, लेकिन यह दवा अक्सर छोटे जानवर के लिए, क्योंकि यह 750 mg में है एक बोलस, और तो 3 ग्राम 750 mg का बोलस और 30 ml का सस्पेंशन, और इसका फार्मूला है, इसका फॉल्ट है एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल को देने से पेट के अंदर के सभी प्रकार कीड़े मरते हैं, लेकिन हम इसकी पहचान बता दें, अगर आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं तो उसकी पहचान क्या, कब देंगे, किस अवस्था में देंगे? तो जैसे बाल का बड़ा होना, आंखों में कीचड़ आना और गोबर बहुत पतला करना, ये सब लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि हमारे गाय भैंस के बछड़े पड़िए के पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। तो इस अवस्था में इस दवा को आप दे सकते हैं, और दवा देने के बाद अगर आपका पशु 2-4 दिन गोबर बहुत पतला मात्रा में करे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है क्या है, जब पेट के अंदर कीड़े रहेंगे तो भी कभी कभी गोबर पतला करेगा, लगातार पतला करेगा, लेकिन कीड़े हैं तो अगर इस दवा को हमने दिया तो इतना ज्यादा मात्रा में पतला गोबर होगा कि हो सकता है 1-2 दिन चारा पानी बंद करे, दूध पीना बंद कर दे। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और आपका पशु 2-4 दिन में चारा पानी करने लगेगा। तो इसको देने का तरीका यह है कि हम शाम के समय मीठे में मिलाकर, गुड़ भेरी चीनी कोई भी मीठा हो उसमें मिलाकर हम इसको देते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं देते हैं। कहने का मतलब आप इसको शाम के समय दीजिए, जिसके बाद कुछ देने की जरूरत ना हो, और अगर आपका पशु पतला गोबर कर तो घबराइए मत, क्योंकि कीड़े की सफाया होगा तभी आपका पशु स्वस्थ रहेगा, और जब कीड़े की सफाया हो जाएगा, पेट का दस्त होना बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा पशु ठीक हो गया और सभी प्रकार कीड़े मर गए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।